हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है टू वर्क आउट द कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर फॉर फुटिंग ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। सो दोस्तों, आज हमें क्या करना है, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ फुटिंग निकालना है। हमें कंक्रीट का ग्रेड जो है M25 ग्रेड दिया हुआ है। नाउ देखते हैं और हमें गिवन क्या दिया हुआ है। सो दोस्तों, हमें जो है फुटिंग का कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर निकालना है। इसके लिए हमें गिवन दिया है, हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन दिया हुआ है और इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग एंड लेइंग। हमें क्या करना है, कंक्रीट प्रोवाइड करना है, लेइंग एंड फिनिशिंग करना है। एंड इसके साथ एक और चीज मेंशन है, कॉस्ट ऑफ सेटरिंग। हमें जो है सेटरिंग का भी कॉस्ट इसमें ये करना है, दैट सेटरिंग का भी कॉस्ट हमें ये करना है। सो दोस्तों, हमें कंक्रीट प्रोवाइड करना है एंड सेटरिंग भी मटेरियल है। सो ये दो कंडीशन हमें दिया हुआ है। नाउ हमारा थर्ड क्या है, बट एक्सक्लूडेड रिइंफोर्समेंट यहाँ पे नहीं है। एंड दे इसके अलावा हमें क्या दिया, बेसिक रेट ऑफ मटेरियल जो हमें गिवन है, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। सीमेंट 350 रुपीज पर बैग, सैंड 1700 रुपीज पर क्यूबिक मीटर एंड एग्रीगेट 1600 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर निकालेंगे किसका, फॉर फुटिंग M25 ग्रेड। सो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है उसका कॉस्ट क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर हमें निकालना है फुटिंग का। फुटिंग में हमें कंक्रीट एंड सेटरिंग का कॉस्ट दोनों का निकालना होगा, 1 क्यूबिक मीटर में उसका कितना होता है, इसका दोनों का निकाल के बाद में हम ऐड कर देंगे। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कंक्रीट का, मैं अब इसे रब कर रहा हूं। सो जब भी हम रेट एनालिसिस करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सो हम क्या करेंगे, कंक्रीट के लिए करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्रीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंक्रीट के लिए कॉस्ट निकालें। सो फॉर 1 क्यूबिक मीटर M25 फॉर 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट 1 क्यूबिक में M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए हम देखेंगे हमें मटेरियल जो है सीमेंट कितने बैग जाते हैं, सीमेंट हमारा कितना 11 बैग्स, सीमेंट हमारा 11 बैग्स हो गया। सैंड हमारा जो है 0.385 क्यूबिक मीटर एंड एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट हमारा कितना हो गया, एग्रीगेट 0.775। दोस्तों, जो 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड जो है उसके लिए जो हमने सीमेंट 11 बैग सेंड 0.385 क्यूबिक मीटर एंड एग्रीगेट 0.755 क्यूबिक मीटर, ये कैसे आया। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना चुका हूँ, रेट एनालिसिस ऑफ कंक्रीट वर्क, रेट एनालिसिस ऑफ कंक्रीट वर्क के। मैं वहां पे M15 ग्रेड जो कंक्रीट है उसके ऊपर मैंने कॉस्ट फाइंड करना बताया था। जो रेट एनालिसिस के लिए हमने वहां पे क्या किया था, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकाला था। सो उस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वहां पे मैंने M15 का निकाला था एंड यहाँ पे हमें M25 का दिया हुआ है। सो इसके लिए जो है आपको M15 की जगह M25 का वहां पे निकालना पड़ेगा। उसके हेल्प से आप क्या करें, M25 का उसमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग हो जाएंगे, सैंड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, एग्रीगेट आप निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो वीडियो जाके आप देख ले, सो आपको मालूम चल जाएगा ये कैसे आया। सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो दोस्तों, सीमेंट जो है इसका कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन दिया है, 350 रुपीज पर बैग्स, 350 रुपीज पर बैग्स। देखते हैं क्या होगा, 11 बैग × 350, ये कॉस्ट आपका कितना हो गया, 3850 0.754.5 now 0.775 × 1600
1240. सो हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 38540 प्लस 654.5 एंड देन 1240. दोस्तों ये हमें कितना आ गया, 5744 rupees 50. हमें कितना आ गया, 5744 rupees 50. ये हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाल लिया. सेकेंड हम क्या करेंगे, वेस्टेज. वेस्टेज हम कितना ले लेंगे, वेस्टेज 5% जो ले लेंगे. दोस्तों वेस्टेज जो है 5% हम लेते हैं, बट जब प्रैक्टिकली आप साइट पे करते हैं तो क्या होता है, वेस्टेज इंक्रीज भी हो जाता है, डिक्रीज भी होता है. वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं, कितना डिक्रीज कर सकते हैं, अगर आप साइट इंजीनियर या फिर कॉन्ट्रेक्टर है तो. सो मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड 5% लेके चलता हूं. ये हमें कितना आया था, 287 rupees 22 पैसे. नाउ हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेस्टेज को ऐड कर देंगे. सो टोटल 1 हो गया. इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है हमारा, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज, मेटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज. सो मेटेरियल कॉस्ट आपको कितना था, 5744.5 एंड 28722. ये आपको हो गया 6031 rupees 72 पैसे. तो दोस्तों आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है एंड प्लस वेस्टेज, इसका कॉस्ट कितना आया आपको, 6031 rupees 72 पैसे. नाउ हम थर्ड क्या करेंगे, लेबर चार्ज. सो लेट्स सी, लेबर चार्ज जो होता है फॉर वन क्यूबिक मीटर, लेबर चार्ज जो होता है 1000 rupees उसका रेट होता है, 1000 rupees उसको रेट होता है. सो वन क्यूबिक मीटर जो कंक्रीट करते हैं उसका लेबर चार्ज 1000 rupees क्यूबिक मीटर होता है. ये जो रेट होता है दोस्तों प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस, एंड ये डिपेंड करता है कि उस आप जिस प्लेस पे है वहां पे जो है उस मार्केट में लेबर का रेट क्या है, मैन पावर का जो रेट आप डेली बेस देख रहे हैं वो कैसे है. कहीं पे वो रेट 600 होता है हेल्पर का, देन कहीं पे 400 होता है, कहीं पे 300, तो उसके ऊपर जो है ना ये रेट डिपेंड करता है. सो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं एज पर गोवन मार्केट, गोवा के मार्केट के हिसाब से 1000 rupees क्यूबिक मीटर ले रहा हूँ. आप जब रेट एनालिसिस करते हैं तो आप अपने मार्केट के हिसाब से रेट एनालिसिस कीजिए, बिकॉज हर एक प्लेस का रेट डिफरेंट होता है. सो नाउ टोटल टू में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज, मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज एंड प्लस लेबर चार्ज, प्लस लेबर चार्ज, मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज प्लस लेबर चार्ज. दोस्तों मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया हमारा, मेटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज कितना हो गया हमारा, 6031 rupees 72 पैसे एंड जो हमारा लेबर चार्ज कितना है, 1000 rupees. सो इसको ऐड क्या करेंगे तो कितना है, 7031 rupees 72 पैसे. दोस्तों ये जो हमारा था ये हमारा आ गया मेटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज प्लस लेबर चार्ज. नाउ जो हमारा क्या बोलते हैं नेक्स्ट टर्म क्या, टूल्स एंड मशीनरी. सो टूल्स एंड मशीनरी, टूल्स एंड मशीनरी,
टूल्स एंड मैसेजेस, ये हम 1% लेते हैं। ये जो 1% है हम क्या करेंगे, जो हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाला उसके ऊपर 1% देंगे। अगर हम मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज एंड लेबर चार्ज इनको ऐड करके एंड देन उसके ऊपर निकालेंगे तो ये कॉस्ट हमें और इंक्रीज होगा। दोस्तों वो जो चीज होती है वो एक हिडन प्रॉफिट होती है। मैंने रेट एनालिसिस ऑफ कंक्रीट वर्क में जब स्टार्टिंग किया तो वहां पे ये चीज मैंने बताया था, मैं उसके बारे में और यहां पे नहीं जाऊंगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबा होने वाला है, बिकॉज मैं फुल डिटेल आपको समझा रहा हूं। सो ये कितना हो गया हमारा 5744.5। इसका हम 1% लेंगे तो कितना हो जाएगा 57 रुपीज 44 पैसा। नाउ ये तो हो गया। नाउ हमारा क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। दोस्तों ये भी हम 1% लेते हैं। ये भी 1% किसके ऊपर लेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर। सो 5744.5 का 1% ये कितना हो गया हमारा 57.44। नाउ ये भी हमारा हो गया 57.44। नाउ व्हाट वी विल डू, ये हमारा हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, ये हमारा टोटल 2 था, अब हम क्या करेंगे टोटल 3 करेंगे। टोटल थ्री करेंगे। टोटल थ्री में क्या आता है हमारा मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज प्लस लेबर चार्ज टूल्स एंड मशीनरी प्लस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप देखिए मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज प्लस लेबर चाहिए आपने ऑलरेडी निकाल लिया है टोटल 2 में। सो कितना हो गया 7031.72 एंड हमारा क्या टूल्स एंड मशीनरी, तो ये हमारा कितना है 57 रुपीज 44 पैसे। वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 57 रुपीज 44 पैसे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। सो इसको जब हम ऐड करेंगे ये हमारा कितना था 51.72 57.44। दोस्तों ये जो पैसे 7146 रुपीज 60 पैसे। सो आपको 1 क्यूबिक मीटर जो कंक्रीट है उसका कॉस्ट आपको कितना है, इंक्लूडिंग आपको मटेरियल कॉस्ट वेस्टेज लेबर चार्ज टूल्स मशीनरी एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये आपको क्या है 7146 रुपीज 60 पैसे आए। नाउ हम क्या करेंगे प्रॉफिट, नेक्स्ट हमारा क्या है प्रॉफिट। सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे प्रॉफिट, तो लेट्स सी प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना है 20%। सो 20% किसके ऊपर लेंगे, ये जो हम टोटल 3 निकाले उसके ऊपर, दैट मीन 7146 60 का 20%। सो इसको ऐड करेंगे, सॉरी 20% निकालेंगे, ये हमारा क्या आता है 1429.32 पैसे। सो 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट पे हमें प्रॉफिट कितना है 1429.32 पैसे, ये हमारा प्रॉफिट आ गया किस पे 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट पे। सो नाउ हम क्या करेंगे फाइनल कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट निकालेंगे विद प्रॉफिट के साथ। सो ये हमारा जो है कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर हम कॉन्क्रीट निकले, ये हम प्रॉफिट के साथ निकालिए हमारा कितना आ जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा जो हमारा टोटल 3 आया था 7146 रुपीज 60 पैसे प्लस 1429 प्रॉफिट ऐड करके। सो इसको ऐड करके देखते हैं कितना था 7146.6 प्लस 1429.32। दोस्तों ये जो हमें आया 8575.92,
आप इसे 8875 ले सकते हैं, दैट राउंड फिगर है। सो आपको जो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है उसका कॉस्ट कितना है, 8575 रुपीज आपको आए 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट का। सो दोस्तों हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना था कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ पुटिंग कंक्रीट का ग्रेड, उसमें हमें क्या था M25 ग्रेड दिया था उस, तो हमें कंक्रीट प्रोवाइड करना था एंड प्लस हमें क्या था कॉस्ट ऑफ सर्टिंग। सो हमने क्या किया था, हमने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्रीट का निकाल लिया। नाउ हमारा नेक्स्ट जो बचा है वो क्या है सर्टिंग का। सो मैं इसे साइड में लिख लेता हूं एंड सर्टिंग का आप निकालेंगे। सो देखते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कंक्रीट कैसे निकालते हैं। सो नाउ हम क्या करेंगे, हम सर्टिंग निकालेंगे। सो 4 1 क्यूबिक मीटर व्हाट विल बी द कॉस्ट, विल बी कॉस्ट ऑफ सर्टिंग, कॉस्ट ऑफ सर्टिंग आपको समझ में आया। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए सर्टिंग कॉस्ट कितना आएगा, जो क्वेश्चन में जब भी आप क्या जब वीक मटेरियल वर्क करते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको क्या सर्टिंग का अलग मेजरमेंट लीजिए, कंक्रीट का अलग लीजिए। ये जो मेजरमेंट होते हैं ना ज्यादातर जो वीक मटेरियल वर्क होते हैं वहां ऐसा होता है, बहुत लोग बाई फॉरगेट करते हैं, तो वो आपको क्या होता है आपका बिलिंग भी बहुत एक्स्ट्रा होता है, बहुत टाइम लगता है, और ये जो प्रोसेस है कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ईजी हो जाता है। सो कंक्रीट के क्यूबिक मीटर के हिसाब से ही रेट लेते हैं ज्यादातर लोग। सो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं यहाँ पे हमें फुटिंग का साइज नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर लेते हैं एज्यूम फुटिंग साइज, फुटिंग साइज, और वो क्या कौन सा फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग लेता हूं मैं, रेक्टेंगुलर फुटिंग एज्यूम फुटिंग साइज रेक्टेंगुलर फुटिंग लेता हूं। दोस्तों मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग लेता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा फुटिंग लूँ एंड उसके ऊपर ये मैं उसके ऊपर क्या करूँ रेट एनालिसिस करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक ही फुटिंग रेक्टेंगुलर फुटिंग के ऊपर रेट एनालिसिस करूँगा, बिकॉज हर फुटिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। सो फॉर 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट व्हाट विल बी द सर्टिंग कॉस्ट, मैं यहाँ पे 2 मीटर बाय 2.5 मीटर इनटू क्या करता हूं 50 सेंटीमीटर डेप्थ लिया। ओके नाउ को बताता हूं, ये जो है 2 मीटर बाय 2.5 मीटर जो है हमारा क्या हो गया फुटिंग का साइज दिया है और डेप्थ हमने क्या लिया है, डेप्थ जो हमने लिया है 0.50 मीटर, दैट मींस 50 सेंटीमीटर। ओके सो ये हमारा फुटिंग हो गया। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं यहाँ पे फुटिंग का ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा क्या हो जाएगा 2 into 2.5 into 50 हमारा ये है, हमें डेप्थ दिया है, फुटिंग का हाइट दिया है। अभी हम क्या करें इसको मल्टीप्लाई करें 2 into 2.5 into 0.5, ये हमें कितना आ गया 2.5 क्यूबिक मीटर, 2.5 क्यूबिक मीटर।
सो ये हमें वॉल्यूम ऑफ जो कंक्रीट आ गया क्या बोलते हैं वो हमें 2.5 क्यूबिक मीटर ये हमने एज्यूम किया था। दोस्तों सी अभी ट्विस्ट होने वाला है, 2.5 क्यूबिक मीटर व्हाट विल बी शटरिंग कॉस्ट, व्हाट विल बी शटरिंग कॉस्ट, शटरिंग कॉस्ट सो क्या होगा, शटरिंग कॉस्ट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल शटरिंग कॉस्ट जो है निकालने के लिए हम क्या शटरिंग एरिया हमें निकालना पड़ेगा, सो शटरिंग एरिया एरिया इंटू रेट, शटरिंग एरिया इंटू रेट, शटरिंग एरिया इंटू रेट सी शटरिंग एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है रेक्टेंगल जो है इसका हम क्या करेंगे पेरीमीटर लेंगे, पेरीमीटर दैट मीन्स पेरीमीटर क्या होता है, सो आप 2 मीटर 2.5 2 मीटर एंड 2.5 सो 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी इंटू डेप्थ सो ये हमारे और इंटू रेट, रेट जो है शटरिंग के लिए जो रेट होता है सो वो मैं यहाँ पे एज पर गोर मार्केट 350 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लेता, रनिंग मीटर में कम होता है बट मैं 350 पकड़ लेके चलता हूँ, सो 350 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लेता हूँ, सो 2 इंटू एल कितना है 2 मीटर इंटू 2.5 एंड 0.5 और ये 350, दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखते कितना आता है, सो 2.2 प्लस 2.5 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 350 ये आपको कितना आ गया, ये आपको 1575 आ गया, आपको कितना शटरिंग कॉस्ट क्या आ गया 1575 रुपीज आ गया। सो नाउ हम देखते हैं, मैं जैसा बीच से रफ कर रहा हूं सॉरी 8575 ओके, नाउ हम देखेंगे 2.5 क्यूबिक मीटर शटरिंग कॉस्ट कितना हो गया हमारा, शटरिंग कॉस्ट जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, वो हमें शटरिंग कॉस्ट हमें आ गया कितना इज इक्वल टू 1575 सो फॉर 1 क्यूबिक मीटर क्या हो जाएगा 1575 रुपीज अपॉन 2.5 हो गया 630 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, सो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना हो गया 630 रुपीज पर क्यूबिक मीटर हो गया। सो नाउ आपको मालूम चल गया हमने क्या किया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया फुटिंग का साइज एज्यूम कर लिया, हमने क्या किया फुटिंग का साइज एज्यूम कर उसका वॉल्यूम निकाल लिया, फिर हमने उस वॉल्यूम को देखा सिर्फ अगर क्वांटिटी हमारा x क्वांटिटी है तो x क्वांटिटी के लिए जो है हमारा शटरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, शटरिंग कॉस्ट निकाल लिया, शटरिंग कॉस्ट निकाल लिया देन हमें निकल गया तो ये जो हमें x क्वांटिटी जो वॉल्यूम है के लिए हमें शटरिंग कॉस्ट इतना आता है तो फिर 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो हम क्या किया 41 क्यूबिक मीटर इतना डिवाइड बाय x कर दिया सो हमारा डेट कितना आ गया 630। नाउ कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ फुटिंग, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ फुटिंग ये हमारा कितना दोस्तों, ये फुटिंग साइट मिक्स है, साइट मिक्स कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ फुटिंग ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट पर क्यूबिक मीटर प्लस कॉस्ट ऑफ शटरिंग, कॉस्ट ऑफ शटरिंग क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर, तो कॉस्ट ऑफ कंक्रीट कितना आया था 8575 एंड प्लस 630 देखिए, सो 8575 प्लस 630 ये हमें कितना आ गया 9200। सो दोस्तों
हमें जो वन क्यूबिक मीटर जो कॉन्क्रीट हम वन क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट निकल का कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ फुटिंग निकालना था, वो हमें कितना है 9205 रुपीज। ये हमें जो इंक्लूडिंग हमें कॉन्क्रीट प्रोवाइड करना था एंड सबिंग के साथ था, वो हमें 9205 रुपीज आया। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।